नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABPS क्लासेस पे। तो कॉल यूनिवर्सिटी के छात्र ध्यान दें, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको आने वाले दिनों में काफी अच्छी गुड न्यूज जो है वो आपको देखने को मिलेगी कॉल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, BA, BSc, BCom या फिर MMSc, MCom आप कर रहे हैं तो वो खुशखबरी मैं फिर से इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, वो खुशखबरी जो आपको चाहिए थी, जिसकी आपकी नीड थी, वो मैं अपडेट लेके आ चुका हूँ। सो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोग के लिए होने वाली है। उससे पहले वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे इस गुड न्यूज़ के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए। ये अपडेट मैं लेके आया हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों से बताया था कि भाई कॉलेज यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं, वो बहुत बच्चों का कमेंट्स ये आ रहा था कि ये सर न्यूज़ फेक है, नहीं मिलेगा, ये है वो, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों से बताया था कि भाई 2 करोड़ उन्होंने फ्री में स्मार्टफोन टैबलेट उन्होंने देने का लक्ष्य रखा है। पहले मैंने बताया था कि आपको 55 लाख जो है वो स्मार्टफोन टैबलेट करके बांटे जाएंगे, और उसी के रिगार्डिंग एक खुशखबरी आ चुकी है। और फाइनली बहुत बड़े विश्वविद्यालय की तरफ से ये नोटिस हमें मिली है, उसी खुशखबरी के संदर्भ में मैं बात करने वाला हूँ। तो देखिए क्या यहाँ पर अपडेट किया है, सबसे पहले अपडेट जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए, ये वीडियो आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट। खबर क्या है, देखिए विषय में बताया जा रहा है कि टैबलेट स्मार्टफोन वितरण से संबंधित दिशा निर्देशों के यहाँ पर अनुपालन किए जाने के संबंध में, यानी कि उसके बारे में दिशा निर्देश दिया गया है। खबर क्या है देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि योजना के क्रियान्वयन हेतु संस्था स्तर पर समिति का गठन एवं नोडल अधिकारी की तैनाती, और यह सुनिश्चित करना है कि योजना अंतर्गत सभी लाभार्थी जो हैं वो सही डेटाबेस वो निर्धारित पोर्टल पर समय से अपलोड किया जाए, आपूर्तिकर्ता संस्था से आपूर्ति प्राप्त कर उसे स्टोरेज तथा वितरण की व्यवस्था करना, और इसके साथ में शासन स्तर पर वितरण हेतु प्राप्त टैबलेट स्मार्टफोन को सुरक्षित रखना जाना, और शासन के निर्देशानुसार वितरण की व्यवस्था करना, वितरण से संबंधित आवश्यक अभिलेखों का रखरखाव सुनिश्चित करना, और उसके साथ में उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट स्मार्टफोन के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण कार्य के संबंधित स्नातक जो है या फिर परास्नातक के छात्र छात्राओं को सही से डिजिटल कंटेंट तैयार करना और छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर इस विश्वविद्यालय की तरफ से साफ साफ निर्देशित किया जा रहा है कि भाई सबसे पहले आपको अपनी जो भी आपके डाटा है उसको बिल्कुल सही से अपलोड करने हैं वेबसाइट पर, पोर्टल पर, उसके बाद फिर जो है वो आपको स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किया जाए। उसके बाद जो भी सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं, जो भी फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं या फिर सेकंड सेमेस्टर या फिर मतलब कोई सी भी कोर्स आप कर रहे हैं, तो उसका जो है कंटेंट आपको उसी पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कदम है, और मैं बता दूं कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियाँ आई हैं जो कि लगातार वो काम कर रही हैं और पोर्टल पे जो है सही डाटा जो है वो अपलोड करवा रही हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स हमारे सर आ रहा है कि सर हमारी ये विश्वविद्यालय की तरफ से अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल धैर्य रखिए, आप बिल्कुल धैर्य बना के रखें, सभी को जो है स्मार्टफोन टैबलेट मिलेगा। और मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि 55 लाख यहाँ पर जो है वो लक्ष्य रखा गया है, हर साल वितरित किए जाएंगे। तो आप लोगों को कम से कम नहीं 55 लाख मिलने वाले हैं, तो कम से कम 25 या फिर 30 लाख तो एटलीस्ट मिले ही जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगले साल आपको 17 लाख तकरीबन मिले थे स्मार्टफोन टैबलेट, इस बार भी आपको जो है 55 लाख जो है वो रखा गया है। अगर उतना नहीं मिलता है तो एटलीस्ट 30 या फिर 25 के रेंज में आपको तो मिल जाना ही चाहिए, और मैक्सिमम दिसंबर के लास्ट तक सभी को मिल जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान आप ना हो। और ये जो है स्मार्टफोन टैबलेट की, अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो भी आप विश्वविद्यालय से पढ़ रहे हैं, अगर आप में नहीं हो रहा है तो आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से पता कीजिए, और नहीं हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमारे इस विश्वविद्यालय में कोई भी इसका कुछ भी चर्चा नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग बताइए। और ये यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, जाके ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है जो कि काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इससे जितने भी एफिलिएट कॉलेज हैं वो सभी के लिए लाभान्वित होंगे, तो ये उनके लिए बहुत शानदार खुशखबरी है, और ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ अपडेट दे दी है, मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई है। अगर जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट आपको मिले। फिर मिलते हैं इसी तरीके से नई और जेन्युइन अपडेट के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।